चलो भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी विल स्टार्ट द डेडलॉक। की डेडलॉक बेसिकली होता क्या है, इसकी कितनी कंडीशंस हैं, कितनी इसकी अवॉइडेंस टेक्निक होंगी और क्या ये सब होगा, तो हम इस लेक्चर में देखेंगे कि बेसिकली व्हाट इज द डेडलॉक। ठीक है, तो डेडलॉक बेसिकली क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ द प्रॉब्लम। सिंपल जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं कि आखिर डेडलॉक है क्या, तब हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। अभी की सपोज दैट कि हमारे पास सपोज दैट एक यूजर ए है, दूसरा यूजर बी है, और ए चाहता है बी से बात करना, एंड एट द सेम टाइम बी आल्सो वांट्स टू टॉक टू द ए। ठीक है, सेम टाइम पे दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इफ ए इज कॉलिंग टू बी देन ए इज लिसन व्हाट कि बी इज बिजी विद समवन, या फिर नेटवर्क इज बिजी और लाइक दिस। इट मीन्स एट द सेम टाइम बोथ विल नॉट टॉक टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हम जो है किस ये हम इसमें देखेंगे किसमें कि ये होता है डेडलॉक। ऐसे एक हम और लाइव एग्जांपल ले लें, जैसे क्या है, सपोज दैट कोई रोड है। ठीक है, रोड पे सपोज दैट सिंगल लेन रोड है, सिंगल लेन है, उस पे एक ये व्हीकल है, एक ये, इसको इधर जाना है लेफ्ट जाना है, एंड इसको जो है इधर जाना है राइट जाना है। ठीक है, इसको लेफ्ट जाना है और उसको राइट जाना है, तो इससे बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा कि ए जाना चाह रहा है लेफ्ट की ओर, बी जाना चाह रहा है राइट की ओर, लेकिन क्या है, अब जगह तो उतनी ही है, तो आइदर एक पीछे जाए तब हो सकता है, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई जाएगा नहीं। सो दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन ऑफ द डेड लॉक। ठीक है, ये हमारी बेसिक एक नॉर्मल कंडीशन हो गई कि डेड लॉक बेसिकली कहते किसे हैं। ठीक है, और अब हम इसको जानेंगे इन अ कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, इट इज अ कंडीशन और सिचुएशन व्हेन टू प्रोसेस शेयरिंग द सेम रिसोर्स और इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग ईच अदर फ्रॉम एक्सेसिंग द रिसोर्स। इट मींस क्या हो गया कि सपोज दैट अब हम इसको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनर से देखेंगे। सपोज दैट हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस पी वन है, दूसरा प्रोसेस पी टू है। वी हैव टू प्रोसेस पी वन एंड पी टू, और हमारे पास दो रिसोर्स हैं R1 एंड R2। ठीक है, अब क्या है, यहां पर हमने देखा क्या कि R1 इज अलोकेटेड टू P1, मतलब क्या हो गया, P1 जो प्रोसेस है ये किसके लिए अलोकेट है, रिसोर्स वन के लिए। ठीक है, और यहां पर हमने देखा क्या कि प्रोसेस P1 अलोकेट है R2 के लिए और R2 अलोकेट है P2 के लिए। मतलब सिंपल हम देखना चाहें क्या कि एक टाइम पे सपोज दैट हमारे पास एक प्रोसेस है P1। ठीक है, अब ये P1 जो है किसके लिए है, बॉन्ड है किसके साथ, R1 के साथ। ठीक है, ये अलोकेट है। ठीक, P1 इज, यहां पे देखो नीचे मैंने लिख लिखा P1 इज अलोकेटेड टू R1, यहां पे लिखा, या इसको हम ऐसे कह सकते R1 is allocated to P1. R1 is, चूंकि एरो इधर लगा हुआ है, तो R1 is allocated to P1 and P1 is requested to R2. मतलब क्या है, एक देखो मैं बता रहा हूं क्या मतलब हुआ कि एक प्रोसेस, एक कोई प्रोसेस है, उसको काम करने के लिए दो रिसोर्स की जरूरत है। ठीक है, और एक टाइम पे क्या है कि P1 के पास रिसोर्स है R1, एक रिसोर्स उसके पास एलोकेट कर दिया गया कि ये रिसोर्स तुम्हारे पास है, और वो भी रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, R2, कि हमें दूसरा रिसोर्स भी मिल जाए, देन आफ्टर वी विल कंप्लीट अवर प्रोसेस, क्योंकि उसको दो रिसोर्स है यहाँ पर, एक R1 है एक R2 है। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दो रिसोर्स R1 एंड R2, और ये दोनों प्रोसेस तभी कंप्लीट होंगे जब दोनों के पास दोनों रिसोर्स होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो फिर से, दो रिसोर्स हैं R1 और R2। रिसोर्स का मतलब क्या हो गया, तुम एक तरीके से समझ लो, हमें दो चीजें चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, तो अब एक प्रोसेस है, सपोज दैट हमको आज लेक्चर लेना है। ठीक है, हमको लेक्चर लेना है। ठीक है, लेक्चर लेना है, उसके लिए हमें दो रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। नंबर एक क्या जरूरत पड़ेगी, हम सपोज दैट कि हमको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें एक रिसोर्स इंटरनेट चाहिए, और दूसरा रिसोर्स हमें क्या चाहिए, सपोज दैट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। ठीक, तो अब प्रोसेस P1, मतलब पढ़ाने के लिए हमको जो है क्या रिसोर्स चाहिए था, एक रिसोर्स की एलोकेट, वो है क्या बोलते हैं,
इंटरनेट इंटरनेट चाहिए था। रुको तुम्हें समझ में। हाँ अब देखो ये एक प्रोसेस है पी वन, एक प्रोसेस हुआ पी टू, ठीक है। अब दो हैं, अब दोनों लोगों को पढ़ाना ही है, सेम चीज है, दोनों लोगों को रिसोर्स चाहिए, आर वन चाहिए और आर टू चाहिए। अब ध्यान से देखना, सपोज दैट एक पी वन है एक पी टू, इन दोनों को पढ़ाना है। रिसोर्स वन है, इसको आप इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए, इसको आप लो है इंटरनेट मान लीजिए, ठीक है। तो अब क्या है, P2 ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जो है ले ली, ठीक है। R1 ने क्या ले लिया, इधर इंटरनेट ले लिया। अब क्या है, ये प्रोसेस यानी ऑनलाइन क्लास तभी शुरू होगी जब P2 रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझको जो है इलेक्ट्रिसिटी दे दो, क्योंकि मेरे पास जो है ये है, क्या बोलते हैं, क्या बोला था मैंने, इंटरनेट। हाँ इंटरनेट। हाँ सपोज दैट दिस वन इज अ इंटरनेट एंड दिस वन इज अ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अब P1 के पास जो है इंटरनेट था और P2 के पास जो है इलेक्ट्रिसिटी थी। अब P1 चाहता है, रिक्वेस्ट किया, इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखो रिक्वेस्टेड टू R2 कि भाई मुझको R2 भी दे दो ताकि मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट कर पाऊं। लेकिन एट द सेम टाइम जो समझ में नहीं आ रहा है तो इसका यही रीजन है कि इसी को कहते हैं डेडलॉक, ठीक है, कि जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो उसी कंडीशन को कहा जाता है डेडलॉक, जो भी मैंने बताया। अब ये चीजें सॉल्व ही हो जाती है यहाँ पे, तो फिर इसको मुझे बताने का मतलब क्या था भाई, तुम लोग कह रहे हो ना ये समझ नहीं आ रहा। देखो सबसे पहले क्या लिखा, डेडलॉक इज अ प्रॉब्लम। डेडलॉक क्या है, डेडलॉक एक प्रॉब्लम है जो अभी मैंने बताई आपको, ठीक है, कि डेडलॉक क्या है बेसिकली। डेडलॉक इज अ प्रॉब्लम, डेडलॉक आपकी एक प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, हमें अभी दो तीन मेथड्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब हमने यहाँ तक देख लिया कि आखिर बेसिकली डेडलॉक होता क्या है, ठीक है। ये देखिए जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, P1 is holding R1, मतलब P1 ये रहा P1, hold कर रहा R1 को, ये रहा P1 is holding R1, P1 is holding R1, R1 and requesting to R2, simple, जैसा यहाँ पे ऊपर था, यहाँ पे P1 था, ये sorry R1 था, R1 is requesting ये P1 and R1 यानी जो है ये इसको allocate यानी इसको hold कर रखा है और ये request कर रहा है किसको, R2 को, वही चीज़ R2 को। P1 is holding R1 and requested to R2, simple। वैसे क्या है P2 के लिए, क्या है P2 is holding to R2, इसके पास R2 पहले से है and it is requesting to R1, और ये यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है request कर रहा है किसको, R1 को। Until P2 releases R2, until P2 releases, मतलब P2 जब छोड़ देगा R2 को, it does not access the P1, ठीक है। मतलब ये कब प्रोसेस पूरा होगा, जब जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर, या तो इसको ये जो है रिलीज कर दे, P2 रिलीज कर दे R2 को, तो P1 प्रोसेस पूरा हो जाएगा, और या तो क्या हो जाए, P1 रिलीज कर दे R1 को, तो P2 प्रोसेस पूरा हो जाए, ठीक है। ये होगा पूरा करने के लिए, इसकी जो है हमारी कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो बेसिकली डेडलॉक क्या है, डेडलॉक इज अ काइंड ऑफ द प्रॉब्लम वेयर टू और सम मेनी प्रोसेसेस आर स्ट्रक बिटवीन ईच अदर, मतलब एक साथ जो है, जैसा सिंपल ये लाइव एग्जांपल देखो, गाड़ी वाला जो मैंने आपको बताया कि दो गाड़ियां एक दूसरी तरफ से आ रही है और सिंगल लेन है, एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है, तो वो वहां पे क्या हो जाए, चोक हो गया, जिसको बोलते हैं जाम लग जाना। तो इन अ टेक्निकल वे हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर डेडलॉक कंडीशन हो गई। अब जो है डेडलॉक कंडीशन होने की हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज हैं, चार रीजन होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि जो है वो डेडलॉक है। देयर आर फोर कंडीशंस। नंबर वन हमारी कौन सी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नंबर वन है हमारा क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नंबर वन है हमारा क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नंबर सेकंड है होल्ड एंड वेट। थर्ड वन है हमारा नो प्रीमिशन एंड फोर्थ वन इज अ सर्कुलर वेट। तो सबसे पहला जो कंडीशन है कि डेडलॉक ना होने के लिए, कि डेडलॉक जो है, यदि डेडलॉक होगा तो यही चार कंडीशन होंगी तभी डेडलॉक होगा, यदि ये चारों कंडीशन ना हो तो डेडलॉक नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, जैसे सबसे पहला है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये रहा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या मतलब है कि ये जो है शेयरेबल नहीं है,
शेयरेबल का मतलब क्या हो गया कि एक टाइम में एक ही प्रोसेस होगा, ठीक है। यदि ऐसा ना हो तो ऑब्वियसली बात है डेडलॉक होगा ही नहीं। जैसे सपोज दैट हमने एक एग्जांपल ले लिया प्रिंटर का। अब हमारे पास एक प्रिंटर है, सपोज दैट वी हैव वन प्रिंटर, हमारे पास एक प्रिंटर है, ये रहा हमारा प्रिंटर, ठीक है। अब एक प्रिंटर है, इसमें एक साथ जो है एक प्रोसेस पी वन और दूसरा प्रोसेस हमारा चला पी टू। अब जब दोनों एक साथ होंगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा डायरेक्टली। सिस्टम हैंग हो जाएगा जब भी आप देखिए एक साथ दो तीन प्रोसेस आप दे दीजिए तो वेट नहीं करेगा, जब एक साथ दो तीन प्रोसेस आ जाएंगे तो वो सिस्टम क्या कर देगा, वो हैंग कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स होता क्या है, वन प्रोसेस कैन बी यूज रिसोर्स एट अ टाइम, एक बार में एक ही प्रोसेस जो है वो क्या करे, यूज करे, ठीक है, क्योंकि ये नॉट शेयरेबल होता है। अब क्या यदि ये चीज ना हो तो सिंपल सी बात है कि डेडलॉक नहीं होगा। लिखा है ना मैंने यहाँ पे, देखो ये मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, इफ नॉट शेयरेबल मींस डेडलॉक, यदि शेयर कर देता वो अपनी इंफॉर्मेशन तो वो जो है डेडलॉक कंडीशन ही नहीं अगर होती, ठीक। ऐसे ही देखिए अब सेम क्या है, होल्ड एंड वेट, प्रोसेस इज होल्डिंग वन रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर। देखा सिंपल, ये लाइन ध्यान से सुनना, अ प्रोसेस इज होल्डिंग, जैसे ये यहाँ ये P1 है, P1 इज होल्डिंग R1, ठीक, जो यहाँ पे लिखा है, अ प्रोसेस इज होल्डिंग वन रिसोर्स, प्रोसेस P1 इज होल्डिंग वन रिसोर्स, सपोज दैट वी हैव वन प्रोसेस P1, P1 इज होल्डिंग, P1 होल्ड कर रहा है क्या R1, वही सिंपल चीज, a process is holding one resource, P1 is holding one resource and waiting for another one and this is waiting for R2, P1 is waiting for R2। इसका मतलब क्या हो गया कि अब यदि उतने में ही मतलब क्या वो वेट कर रहा है, कब तक वेट करेगा, जब तक ये मिलेगा नहीं। और ये मिलेगा क्यों नहीं, क्योंकि ये P2 को एलोकेट होता है यहाँ पर, R2 क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये P2 को एलोकेट है, सिंपल। तो वही होल्ड एंड वेट, अभी इन सब को प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी हमारी टेक्निक्स हैं, वो आगे आएंगी, वो मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ कंडीशंस बता रहा हूँ कि जिनके कारण हमें डेडलॉक को फेस करना पड़ता है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा थर्ड वन आता है, थर्ड वन क्या है, नो प्रीएम्प्शन, नो प्रीएम्प्शन, नो प्रीएम्प्शन का सिंपल मतलब अ रिसोर्स कैन बी रिलेटेड वॉलेंटरी बाई प्रोसेस इटसेल्फ, ठीक है, मतलब या तो वो अपने आप जो है रिलीज कर दे, जैसे जैसे अब P1 और P2, देखो यही एग्जांपल चलना है पूरे डेडलॉक में, R2 और ये इधर हमारा R1। अब ये है, सबसे पहले हमने देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि R1 ये जो है इसके लिए एलोकेट था P1 R1, ठीक है, यानी अ रिसोर्स कैन बी रिलीज्ड वॉलेंट्री बाई प्रोसेस इटसेल्फ, मतलब क्या हुआ, और ये यहाँ वो था और ये इसको रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई मेरे पास आ जाओ तो मैं जो है वो कर लूं, ठीक है, ये हमारा वो कर रहा था। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा जो है क्या समझ में आ रहा है कि या तो क्या हो जाए हमारा R2 जो है ये जो लिखा हुआ अ रिसोर्स कैन बी रिलीज वॉलेंट्री By process itself, या तो ये अपने आप रिलीज कर दे P2 को तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा P1 से, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि वो उसको डायरेक्ट ले पाएगा। तो वही चीज यहाँ पर हमारी लिखी हुई है, क्या, नो प्रीएम्प्शन मीन्स अ रिसोर्स कैन बी रिलीज्ड, कोई रिसोर्स वो रिलीज कर सकता है वॉलेंट्री बाई प्रोसेस इटसेल्फ, मतलब अपने आप। अभी इसको परेशान मत होना, ये चारों अभी मैं कंडीशंस बता रहा हूँ कि बेसिकली कंडीशंस हैं क्या, इसके आगे जो है जैसे तुम्हारा सपोज दैट भाई है ये तो आज तक चलेगा ही, ठीक है। और अब जो है चौथा है हमारा क्या है, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्प्शन, सर्कुलर वेट, इसको प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको सर्कुलर प्रोसेस भी कहते हैं और सर्कुलर वेट भी कहते हैं, दोनों चीजें हैं हमारी, आइदर वी कैन से दैट सर्कुलर वेट और सर्कुलर प्रोसेस, ठीक है, सर्कुलर वेट और सर्कुलर प्रोसेस, इसको हम दोनों चीजें कहते हैं। तो
अब देखिए सर्कुलर वेट का क्या मतलब है, सर्कुलर मतलब आप जानते हैं सर्किल मतलब ऐसा गोला, सिंपल इससे एकदम बिल्कुल इसके उससे समझिए वर्डिंग से क्या कहला सर्कुलर वेट और सर्कुलर प्रोसेस, ठीक है। अब हमने क्या लिया, मैं इसको एग्जांपल से समझाया आपको, जो सपोज दैट वी हैव फोर प्रोसेस, हमारे पास चार प्रोसेस हैं ए बी सी डी, मैंने आप लिख रखा ए बी सी डी, हमारे पास चार कौन कौन से प्रोसेस हैं, ए है बी है सॉरी ये दिस वन इज ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, ए बी सी डी ये जो प्रोसेस हमारे दिए गए हैं ये क्या करना चाह रहे हैं, यहां देखिए ए ए एक्वायर्स, ए एक्वायर्स, ठीक है, ए एक्वायर्स रिसोर्स, ए ने ये देखिए यहां पे ए ने एक्वायर कर रखा है बी को, तो वही चीज लिखिए ए एक्वायर्स बी, ए एक्वायर्स बी, ठीक है सर। ये बात समझ नहीं आ रहा कुछ, अच्छा समझा रहा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ठीक अच्छा। अब देखो हमारे पास कितने रिसोर्स हैं यहाँ पर, सॉरी प्रोसेस हैं, चार प्रोसेस हैं सर्कुलर प्रोसेस समझ नहीं आया खाली, हाँ सर्कुलर प्रोसेस समझ नहीं आया खाली, अभी कंप्लीट कहाँ हुआ, अभी तो स्टार्ट किया, अभी मैंने पूरा बताया ही नहीं तुम्हें समझ में आए ना आए, अभी तो शुरू कहाँ किया मैंने सर्कुलर, अभी तो शुरू किया है सर्कुलर प्रोसेस। सर्कुलर प्रोसेस में क्या है कि ये सारे जो है एक इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पर बताया ए बी सी डी चार प्रोसेस है मेरे पास, ए जो है ए ने एक्वायर कर रखा है बी को, ठीक है, ए सॉरी ये यहां से देखेंगे ए के पास डी आ रहा है, ठीक है, इट मीन्स एक्वायर्स डी एंड रिक्वेस्टेड टू बी, मतलब इसको ए को अपना प्रोसेस पूरा करने के लिए क्या चाहिए, एक ये चाहिए और एक ये चाहिए, दोनों चाहिए तभी जाके वो पूरा हो पाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है ए इज एक्वायर बाय डी एंड नीड्स बी, दोनों चीजें देखना ध्यान से, जैसा अभी डेडलॉक की कंडीशन में समझ में आया था। अरे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो यार, समझो सपोज दैट पी वन पी टू पी थ्री एंड पी फोर, ठीक है। अब क्या है P2, हाँ अब यहाँ पे सपोज दैट हमने देखा कि ये इसको एलोकेट कर रहा है, ठीक है, और इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसा हम डेडलॉक की कंडीशन देखी थी। क्या मतलब हुआ कि ये तभी वो होगा एग्जीक्यूट होगा, इसके पास ये तो है, ये तो प्रोसेस है, अब इसको यदि ये वाला प्रोसेस और मिल जाए तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। और ये प्रोसेस क्यों नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ इधर जो है टेंगल्ड है, तो इसलिए ये कंडीशन होती है जो है डेडलॉक अकर होने की। सर्कुलर मतलब गोल गोल घूमता रहेगा वो प्रोसेस, एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंपल सा एक उसमें समझेंगे हम इसको सर्कुलर प्रोसेस। तो मतलब चार प्रोसेस हमारे पास, चारों एक दूसरे के लिए डिमांड करते रहेंगे और ये जो है कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सर्कुलर वेट, ठीक है। अब देखो नाउ अब हम क्या करेंगे, एक बार पूरा रिविजन, वी विल टेक अ फर्स्ट लुक वट एवर वी हैव स्टडीड राइट नाउ। सपोज दैट सबसे पहले हम क्या देखेंगे, व्हाट इज द डेडलॉक, तो डेडलॉक क्या है, डेडलॉक इज अ प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम। डेडलॉक क्या है, डेडलॉक एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम अकर कैसे हो रही है कि जब क्या है दो तीन चीजें जो है आपकी एक साथ, वही सिंपल आपको एक लाइव एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था कि आप दो लोग एक साथ बात करना चाह रहे हैं ए और बी, ए ने फोन किया बी को, बी फोन कर रहा है ए को, ये दोनों कभी एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएंगे, दिस इज द लाइव एग्जाम्पल ऑफ द डेडलॉक। ऐसे ही सिंपल जो है एक रोड में है, सिंगल लेन रोड है, दोनों तरफ गाड़ियां आ रही हैं, एक को लेफ्ट जाना है एक को राइट जाना है, चूंकि सिंगल लेन है तो कब जाएंगी, या तो एक पीछे चला जाए नहीं तो वो वहीं खड़े रह जाएंगे, दिस इज द कंडीशन ऑफ द डेड लॉक। ये हो गया हमारा लाइव एग्जाम्पल जो हम डेली देखते हैं। अब आता है कि उसके क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कि व्हाट इज द डेडलॉक। तो हमने देखा यहाँ पर क्या है डेडलॉक के लिए, हमारे पास दो प्रोसेस हैं P1 एंड P2 एंड R1 एंड R2। अब यहाँ पर क्या है, P1 प्रोसेस कब कंप्लीट होगा और P2 प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, जब इन दोनों के पास R1 एंड R2 होंगे, मतलब कोई भी काम करने के लिए हमको दो रिसोर्स की जरूरत पड़ी चाहिए। और यदि अब यहाँ पर हमने देखा क्या है कि P1 is holding R1, P1 के पास R1 है,
E1 के पास R1 है, allocate है, देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है allocated, allocate है, और P1 कह रहा है कि यदि R2 मिल जाता तो मेरा प्रोसेस पूरा हो जाता, ठीक है। अब लेकिन R2 मिल कैसे जाए, R2 तो P1 से कनेक्टेड है, मतलब R2 इज allocated to P2, और वही सेम कंडीशन P2 को भी R1 चाहिए, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द डेडलॉक, ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ द डेडलॉक। अब किसी भी चीज को होने के लिए दो तीन कंडीशन होती है, जैसे आप अच्छा नहीं पढ़ते हैं तो इट मींस यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग, यू हैव सम मे बी यू हैव अ फिजिकली समथिंग प्रॉब्लम और समथिंग एल्स, तो वैसे ही डेडलॉक अकर होने के लिए हमने देखी यहाँ पर हमारे पास कितनी कंडीशन, चार कंडीशन हमारे पास, चार कंडीशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। सबसे पहला म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन जैसा उसका नाम से ही पता चल रहा है, म्यूचुअल मतलब वो नॉट शेयरेबल, यदि हम अपना रिसोर्स जैसे उसमें देखिए P1 P2 थे, यदि P1 को R2 मिल गया होता तो वो क्या हो जाता यहाँ पर, यदि ये देखिए यदि यदि P1 को यदि यहाँ पर P1 को R2 मिल गया होता, ये P1 को यदि R2 मिल गया होता तो सीधे ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता, इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती हमारी जो है कि डेडलॉक कंडीशन अकर होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यदि कोई चीज शेयरेबल हो जाएगी तो हमारा जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या ओनली वन प्रोसेस, तो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब समझे क्या होता है कि एट अ टाइम, इट मींस ओनली वन प्रोसेस कैन बी यूज रिसोर्स एट अ टाइम, मतलब एक प्रोसेस एक बार में एक ही रिसोर्स यूज कर सकता है, मतलब वो शेयरेबल शेयर नहीं करते हैं, दिस इज द कंडीशन ऑफ द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। यदि ऐसा होगा तो डेडलॉक होगा। होल्ड एंड वेट, प्रोसेस इज होल्डिंग वन प्रोसेस एंड वेटिंग फॉर अनदर, सिंपल जैसे ये देखिए अ प्रोसेस P1 इज एलोकेटेड टू R1 एंड वेटिंग फॉर R2, ठीक है। अभी R2 मिल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि P2 से कनेक्टेड है, तो इट मींस यदि ऐसा रहेगा तो होल्ड एंड वेट, होल्ड करेगा और वेट करता रहेगा, और वो वेट ही करता रह जाएगा, क्यों, क्योंकि वो किसी और से कनेक्टेड है, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ द डेडलॉक, दिस इज द कंडीशन ऑफ द डेडलॉक। And third one is the no preemption. No preemption means a resource can be related voluntarily by process itself. मतलब यदि ये यहाँ पर देखिए, यदि R1 is allocated to P1, और यदि ये resource R2 ये छोड़ दे कि नहीं अभी ठीक है अभी मुझे P1 नहीं करना है, ये वो voluntarily इसीलिए लिखा गया by itself, यदि अपनी मर्जी से यदि ऐसा हो जाए, लेकिन अब ये तो प्रोसेस अपनी मर्जी से तो करेंगे नहीं, हम इसके लिए कुछ एल्गोरिथम लगाएंगे, कुछ और टेक्निक्स होंगी, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो वो हो जाता है नो प्रीएम्पशन। ऐसा ही सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट मतलब सारे प्रोसेस गोल गोल घूमते रहेंगे, मतलब ऐसे ABCD ये तीन है, A is allocated to D एंड वेटिंग फॉर रिक्वेस्टिंग टू B, कि A जो है B तो है ही है, अब यदि सोचता है यदि उसको B मिल जाता तो उसका काम पूरा हो जाता, सिंपल। जैसे मैंने देखा यहाँ पे एक लिख भी रखा है, सी के लिए लिख रखा है, क्या सी एक्वायर्स रिसोर्स, सी ने एक एक्वायर कर रखा है रिसोर्स, ठीक है, बी एंड नीडेड बाय द डी, और इसको डी और चाहिए ताकि ये पूरा हो सके, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि वो किसी और से कनेक्टेड है, सिंपल। ये गोल गोल घूमते रहेंगे, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द सर्कुलर वेट। ओके, सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट इज द डेडलॉक and how many conditions for occurring the deadlock, okay? Next lecture we will discuss about the various method of the handle the